देखिए फ्रेंड कितना तेज से आंधी आ रही है, एकदम पूरा हंगामा मचा दिया, इतना मिट्टी मिट्टी हो गया, कुछ दिख ही नहीं रहा है एकदम पूरा सा। और हमारे यहाँ गाड़ी का मैट भी उड़ के गया है वहां पे। तो मैट उठा के रख दो सीढ़ी पे। हाँ कोई बात नहीं, उठा लो, गाड़ी से मैट उड़ के गया है, वहां पे पड़ा हुआ है वो, देखिए व्हाइट व्हाइट सा एकदम बंदर से कर, इतना धूल उड़ा रहा है। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल द मीनू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। वी फ्रेंड, आप लोग कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे होंगे। ऑफकोर्स मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड आज भयंकर वाली आंधी आई थी, आंधी कह सकते हैं, मधुमक्खी आगे पीछे ही घूमती रहती है, भयंकर वाली। बैठते हैं फिर बात करते हैं आप लोगों से। तो बहुत भयंकर वाली आंधी आई थी, इतना ज़्यादा धूल मिट्टी पूरे बिल्डिंग में कर दिया है, इतना ज़्यादा, और मेरे कमरे में खिड़की बंद करते करते इतना ज़्यादा धूल मिट्टी कर दिया था। तो अभी हम तो झाड़ू लगा के हैं, जस्ट नहा के आए हैं, फिर से नहाए, बाल वाल धुल के, इतना मिट्टी मिट्टी कर दिया था बाल वाल में, ऐसा लग रहा था। और मैंने फटाफट खिड़की दरवाज़ा सब कुछ बंद किया, तब भी देखिए यहाँ की हालत दिखाई है ना, तो कहेंगे कितना बारिश हुई है। हल्की फुल्की बारिश भी हुई लेकिन बहुत तेज़ हवा चली थी, तो ऐसे झोंक रहा था, सब गंदगी मचा के गया यहाँ पे बहुत सारा। और हमारे यहाँ इतना तेज़ हुई हमारी गाड़ी की, यहाँ पे पानी था शायद बैठ के, और यहाँ पे पान वो क्या कहते हैं, इतना तेज़ हवा चला कि हमारी गाड़ी का जो उसका सेड पड़ा हुआ था वो उड़ गया पूरा, पता नहीं कहाँ गया, उड़ के वहीं आसपास कहीं पड़ा होगा। अभी जब आएंगे हस्बैंड जी तब लेके आएंगे। मतलब मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ तो आँख में लग रहा है धूप, पता ही नहीं चल रहा। और एक हमको उधर से निदा देख रही, इतना ध्यान से, जब बहुत दिन बाद क्या होता है ना, कोई देखता रहा तो अजीब लगने लगता है, क्योंकि हमने काफ़ी टाइम बाद अभी स्टार्ट भी किया ब्लॉगिंग करना, तो वो हैबिट जो हमारी बन जाती है, हम कंटिन्यू करना स्टार्ट करते हैं तो वो ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड अभी हम नहा वहाँ के, इधर कपड़े उपड़े जो गंदे संदे थे, बहुत सारे कपड़े निकले, बेडशीट वगैरह सब धुल उल के डाले हैं सूखने के लिए। और आज हमें जाना है शादी में, बहुत धूप लग रही है, चलते हैं अंदर ही बात करते हैं। सोचे थे थोड़ा सा बाहर निकल के बात करें आप लोगों से, लेकिन नहीं, ऐसा लगता है नहीं बात कर पाएंगे हम बाहर। तो फ्रेंड आज जाना है अभी हमें शादी में, शादी कहाँ है चलो बता देते हैं, जो हम रूम में रहते हैं मकान मालिक के लड़की की शादी है, तो सबको पूरे बिल्डिंग में सबको इन्वाइट किए हैं, स्पेशली कार्ड वगैरह भी दिए हैं और बोले भी हैं। तो चलते हैं शादी में आज, देखते हैं हस्बैंड जी आने के बाद क्या डिसीजन बताते हैं। फिलहाल 100% प्लानिंग नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत है, तो देखते हैं शाम तक अगर चलेंगे तो आप लोग के साथ शेयर करेंगे। मेरी गाड़ी के टेंशन है ना मुझे फ्रेंड, मैट उड़ गया है और उधर बहुत कूड़े में पड़ा है, अभी लेके आएंगे हस्बैंड जी तब, तो उसको गाड़ी पूरी गंदी गंदी करती है, इतना ज़्यादा धूल मिट्टी मचाया है। तो मैं चल रही हूँ नेल पेंट लगा ले रही हूँ, क्योंकि मेरे नेल पेंट ना छूट गए हैं। ऐसे मैं बहुत कम नेल पेंट भी लगाती हूँ, क्योंकि मुझे ना जब ये छूटता है ना तो मुझे वो बाद में थिनर से छुड़ाने में ना बहुत अकपट से फील होता है, इसलिए मैं जल्दी नहीं लगाती। वैसे कोई प्रोग्राम या कोई फंक्शंस होता तभी लगाती हूँ, अक्सर मैं नहीं लगाती हूँ। मैं सोच रही हूँ चल के आज मैं लगा ही लेती हूँ, तो अभी मैं चल रही हूँ नेल पेंट लगाने, और नेल पेंट लगा लेते हैं फिर दिखाते हैं आपको। ये फ्रेंड हमारे पैर के नेल्स में रेड कलर की नेल पेंट, क्योंकि रेड ही अच्छा लगता है पैरों में, और हाथ में तो कोई भी चलता है, तो हाथ में लगाया मैंने ब्लू कलर का। देखिए पतिदेव अपनी गाड़ी की खातिरदारी करने आ गए हैं, ड्यूटी से आ गए हैं, और अभी देख रहे हैं कि गाड़ी का मैट वेट कहाँ उड़ गया, देखभाल रहे हैं क्योंकि कांच वाच तो नहीं टूट गया। तो हस्बैंड जी लग गए हैं गाड़ी सफाई करने में, वो पता नहीं कहाँ से इंजन में चिड़िया मरी पड़ी है, पता नहीं, गाड़ी भी खड़ी थी, वो चिड़िया पता नहीं कैसे अंदर जा गई, चली गई है, मर गई है। तो अभी गाड़ी को धो रहे हैं, बहुत धूल लग गया था, बहुत सारा धूल चिपक गया, बारिश हुई फिर हवा चला तो बुरा धूल से चिपक गया था, ऐसा लगा था कबर चढ़ गया गाड़ी पर। डंडे से निकाल रहे हैं, देखो अभी निकाल पा रहे हैं या नहीं। निकला, कैसे इसमें चिड़िया मर गई पता नहीं कैसे। अभी फ्रेंड ऑलमोस्ट मैं रेडी हो गई हूँ शादी में जाने के लिए, तो हमने अपना वही ड्रेस पहना है जो हमने एनिवर्सरी पे अपना पहना था। तो फाइनली मैं साड़ी पहनने वाली थी, लेकिन इतना जल्दी जल्दी में हुआ तो मैंने नहीं पहना, तो
मैं अभी रेडी हो गई हूँ। बस हाँ, अपना झुमका चेंज किया है मैंने, ये झुमका पहना है जो हमें गिफ्ट मिला था मेरी एनिवर्सरी पे। तो हमारे हस्बैंड जी भी रेडी हो गए हैं, बस हमारा वेट कर रहे हैं बाहर खड़े हुए। बस चलते हैं, थोड़ा खिड़की उड़की बंद कर दें कि बारिश वारिश आएगी तो पानी आ जाएगा अंदर। आपसे ही बात कर रहे हैं, बंद कर दो। इधर मैं रेडी हूँ, मैं कैसे बंद कर दूँ? मैं तैयार हूँ, ये नहीं देख रहे हो? तो यहाँ पे मेरे फ्रेंड कह रहे हैं मेरे हस्बैंड जी रेडी हैं, सेम जो एनिवर्सरी पे हमने लोग दोनों लोग पहने तो वही पहन दिए हैं। चल रहे हैं जल्दी, तो चलते हैं मिलते हैं शादी में आप लोगों से। शादी के एंट्री कर चुके हैं शादी में। तो अभी फ्रेंड हम खाने में टूट पड़े, पहले खाना खाएंगे उसके बाद देखेंगे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे हम खाना ले आए, यहाँ पे हस्बैंड जी का खाना, पहले एनर्जी ले लो, कुछ एनर्जी बने पेट में, फिर उसके बाद में ब्लॉगिंग स्टार्ट। तो पहले खाना खाते हैं। शादी में यहाँ पे हस्बैंड जी लगे हैं कहीं से बात कर, ये ग्राउंड हम लोग खा पी चुके हैं, अब चलने की तैयारी में हैं जो कि हम लोग चल रहे हैं। अभी फ्रेंड हस्बैंड जी गए पान लाने, आज मैं खाऊंगी पान। पार्क बना हुआ है, चले फोटो खींचे, चले चलते फ्रेंड, हम फोटो नहीं खींचते। अभी फ्रेंड आ गए हैं हम घर, रूम पे पहुंच गए अपना, तो चलते हैं फेस वॉश करते हैं अपना। फेस जो हम यहाँ से मेकअप करके गए हैं उसको छुड़ाने की कोशिश करेंगे, और कान की बाली खुद कस के इसका पेच लग गया है। ओ फ्रेंड गुड मॉर्निंग, तो अभी हो गया है नेक्स्ट डे और मैं सो के उठ गई हूँ। आज बहुत देर हो गया है उठने में क्योंकि बज गए 8। एक बार मेरी आंखें खुली 6:30 बजे, फिर मैंने कहा कि अभी उठ जाएंगे आधे घंटे में, 7 बजे उठ जाएंगे और फटाफट नाश्ता ही तो बनाना है, नाश्ता बना लेंगे। तो क्या हुआ, मैं सोती रह गई, फिर मैं खुली आँख मेरी 8 बजे, इसलिए देर हो गया है। तो फटाफट नाश्ता बनाएंगे क्योंकि लेट में सोए ना रात में, 12:30 बजे सोए, तो फिर इतना जल्दी आँख ही नहीं खुल रही थी, रात बहुत हो गई थी, देर हो गया। तो वहाँ से आदमी में शादी से, तो अभी चलते हैं नाश्ता बना लेते फटाफट, क्योंकि अब बात करने में बात किए ना आप लोगों से फ्रेंड तो बहुत देर हो जाएगी, और हस्बैंड जी डांटेंगे भी, और गए नीचे दूध लाने, फटाफट वो आ जाएंगे, तुरंत पास में ही गए हैं। तो हम नाश्ता बना लेते हैं, उसके बाद में आप लोगों से बात करते हैं। ढेर सारा यहाँ पे फ्रेंड हमारा आलू कट के रेडी हो गया है, यहाँ पे रख लिया मैंने, और यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा पेस्ट भी बन के रेडी हो गया, और इसमें मैंने एक एडवांस में आलू के वो डाल भी दिए हैं क्योंकि हमारा तेल यहाँ पे एकदम से गर्म हो गया है। तो अब हम फटाफट पकौड़ी डालना स्टार्ट करेंगे क्योंकि बहुत गर्म हो गया है तेल मेरा। हमारी पकौड़ियाँ पक चुकी है फ्रेंड, देख सकते हो आपको एकदम मस्त कलर आया है। अब इसको निकालने का टाइम आ गया है, इसको एक बार और पलट देते हैं जो अच्छे से थोड़ी सी करारी हो जाए, उसके बाद हम फटाफट निकाल लेंगे।
पकौड़ी निकलने की टाइम आ गया है निकलने का उसका। थोड़ा साइड कर दें, तेल है जो उसमें एक्स्ट्रा निकल जाए, नहीं तो बहुत सारे तेल आ जाते हैं अगर फटाफट ऐसे ही करके निकाल लो, थोड़ा सा साइड ना लगाओ तो। गर्मा गर्म पकौड़ी बनके रेडी। ये फ्रेंड हमारी गर्मा गर्म पकौड़ी, सारी पकौड़ियाँ मेरी बनके रेडी हो गई, हमारी गर्मी गर्म चाय। तो हम तो चल रहे हैं नाश्ता करने, क्योंकि गर्मा गर्म पकौड़ी हो उसके साथ चाय। यहाँ पे टीना रखा है, उस पर बंदा जाके कूदता है तो इतना तेज खड़कता है वो, आवाज आती है उसकी। तो हाँ, कह रहे थे फ्रेंड कि हम चल रहे हैं अब नाश्ता करने, हमें तो वेट नहीं होता है, और आप लोग को भी खाना है तो आ जाइए गर्मा गर्म पकौड़ी और उसके साथ चाय में। तो इस ब्लॉग को हम यहीं पे कर देते हैं एंड, और जल्द ही मिलते हैं न्यू ब्लॉग में। जो हमारे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, एक प्यारा सा कमेंट करके बताना कि आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय।